पैसों के विवाद में दो भाइयों पर फायरिंग, घायल जिला अस्पताल में भर्ती, पुलिस मामले की कर रही पड़ताल। शिवपुरी जिले के करेरा थाना क्षेत्र के रोनीजा गांव में पैसों के लेन देन के विवाद में आगरा से आए दो भाइयों ने अपने दोस्त में गोली मार दी। गोली घायल के पैर में लगी, घायल युवक का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। वहीं करेरा पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर पहले मामले की जांच कर रही है। बता दें कि उक्त युवक का कुछ माह पहले जमीनी विवाद को लेकर कट्टे को हाथ में लेकर धमकाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। रोनीजा गांव के रहने वाले आकाश रावत पुत्र मोहन सिंह ने आगरा के रहने वाले अपने दो दोस्त बॉबी कुमार और सुशील कुमार पर गोली मारने के आरोप लगाए हैं। आकाश के मुताबिक उसके भाई बॉबी कुमार और सुशील कुमार ने 3 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें वह मैं ब्याज के दे चुका है। इसके बावजूद बॉबी और सुशील दोनों भाई अपने उससे पैसों की मांग कर रहे हैं। वही पुलिस इस मामले को संदिग्ध मानकर मामले की पड़ताल कर रही है। बताया गया है कि युवक ने अपने हाथों से फायर कर खुद के पैर में गोली मार ली है। वही करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा का कहना है कि तीनों के बीच किस काम को लेकर पैसों का लेन देन हुआ था, यह जानकारी पुलिस से छुपाई गई है। पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। क्या नाम है भैया पूरा आपका? आकाश रावत। बताइए क्या नाम? मोहन जी रावत। कहाँ रहते हो आप? रोनीजा गाँव में। थाना कौन सा लगता है? करेरा। करेरा, क्या कुछ घटना हुई आपके पास? वो घटना ये थी कि मेरे दोस्त थे वो बॉबी और सुशील, मेरे घर पर आए। सुशील कुमार और बॉबी कुमार जो मेरे घर पर आए थे, वो पैसे के लेन देन मेरे दोस्त थे। पैसे के लेन देन से थोड़ा विवाद हुआ, फिर उन्होंने दो गोलियाँ चलाई, एक मेरे पैर में लगी और एक बाहर। पैसे का लेन देन था? हाँ, पैसे का लेन देन था। अच्छा, आपको देना देगा लेना? नहीं, मैंने वो उनका कहना था कि तूने मेरे रुपये वापस नहीं करे, मैंने अभी उनके रुपये वापस कर दिए थे। 3 लाख रुपए थे, आपने दे दिए थे? मैंने ब्याज के साथ दिया था, दे दिए थे। बट वो उनको बोझ करे, नहीं तुमने पैसे नहीं दिए मुझे, और पैसे ही तेरे से, और नहीं तो मैं अपनी चैन दे दे मुझे, उसकी चैन पहने था मैं, अगर चैन दे दे मुझे, नहीं तो पैसे दे मुझे। बस फिर गाली गलौज हुई, देवालाई हाँ घर से निकल गई, घर से कम 500 मीटर दूरी पर गड़ी है, वहाँ पर किले पर लड़ाई हुई। बुलाया था कम आपको? वहाँ मुझे बुलाया था उन्होंने, वहाँ पर इधर आया। हाँ, मैं अकेले गया था। वो कितने जाने थे? वो दो लोग थे, सुशील और वो भी भाई भाई हैं दोनों। खास भाई हैं? खास। अच्छा, रहते हैं? वो आगरा के रहने वाले हैं, आगरा के। आगरा के रहने वाले? हाँ, बीगनपुर गाँव। अच्छा, नहीं वो तो आगरा में आता है। हाँ, तो जहाँ पे क्या कोई काम चाहिए थे का वो? नहीं नहीं, वो मेरे दोस्त ही थे, मैं जाता था, वो भी अपने घर पर आते थे। मिलने आए थे का? मिलने आए थे, और सो बट भेजे कर कि मेरे पैसे और तू पैसे दे मुझे, अपनी चेयरमैन दे दे। मैंने कही सर मैंने भैया मैंने आपको पैसे दे तो दिए, नहीं मुझे तो पैसे करे दे बस, ऐसे विवाद में आते। वो दारू पिए थे वो लोग? दारू पिए थे हम, वो लोग दोनों दारू पिए थे, मैं नहीं पीता हूँ। फिर क्या उन्होंने बस बोले मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कही ऐसे कौन मारता गोली? बट उन्होंने मार दी गोली दोनों ने। कैसे मार दी? मैं पता नहीं सर, रात हुई 8 बजे का टाइम था, तब गोली चली है। नहीं पता नहीं सर, दो गोली चली है, पता नहीं कट्टे की लगी। 8 बजे की शाम की। अच्छा, आपके गांव में? हाँ, मेरे गांव में। अच्छा, अरे बहुत लोग भीड़ मच गई थी, बाद पहले गोली लगी थी ना, तब तो कोई नहीं था, उसके बाद 20-25 लोग आ गए थे। फिर एम्बुलेंस को फोन लगाया तो गोली थोड़ा लेट आई एम्बुलेंस, फिर एम्बुलेंस आई नहीं है। फिर मामा के लड़के को फोन लगाया, वो अपनी कार लेकर आया अपनी बस। फिर वो उसके साथ करेरा थाने में गए, फिर सर अस्पताल में गए। हाँ, रिपोर्ट डाल दी फिर वहाँ से, हाँ सब मिल गए थे। फिर वहाँ से करेरा अस्पताल में गए, वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया, जांच वाँच वगैरह करके। जो भी नहीं आई भी कार से आए अपनी। अच्छा, पैर में लगी? हाँ, पैर में आर पार गोली निकल गई है। आर पार? हाँ। वो भाग गए? वो भाग गए वहाँ से मौके से। रात में ही भाग गए? हाँ, रात में ही भाग गए वो। रात में कितने बजे आए थे आप जी यहाँ पे? रात में मैं 2:30 समथिंग आया था। अच्छा।